हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी फूड क्रेविंग्स को कैसे रोके, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। हम अगर किसी को भी पूछे कि यार क्यों ना डाइट किया जाए, तो हर एक का एक जवाब आपको जरूर मिलेगा, यार कंट्रोल तो बहुत करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, पिज्जा इतना पसंद है, आइसक्रीम इतना पसंद है, जंक फूड इतना पसंद है, रोक ही नहीं पाता मैं अपने आप को। अगर आपकी भी यही परेशानी है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ दो ऐसी सिंपल टिप्स, साइंटिफिकली प्रूवन, जो आपको इन क्रेविंग से बचा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। फूड क्रेविंग्स पर आज तक जो भी YouTube पे वीडियोस बनी है, वो ज़्यादातर आपको बोलेंगी कि अगर आपको क्रेविंग्स होती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कुछ तो थोड़ा चलने जाइए, या तो कोई च्यूइंग गम ही खा लीजिए, या पानी ही पी लीजिए, या आपको आपके डाइट में प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। वो आपको ये भी बताएंगे कि स्ट्रेस कम लीजिए, या तो ठीक से सोया कीजिए, या आपकी डाइट जो है आपको प्लान करनी चाहिए, और जो भी आप खाएं वो समझदारी से खाइए। ये सारी टिप्स फूड क्रेविंग के लिए है तो सही, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, और वो है विल पावर, और सेकंड है समझदारी खाने के वक्त। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम इतने समझदार होते तो शायद हमें ये फूड क्रेविंग होती ही नहीं, और अगर होती तो हमें उसे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं। और जबकि अब हम जान चुके हैं कि हम उतने समझदार है ही नहीं, तो अब सवाल ये उठता है कि इन फूड क्रेविंग्स को भी एक्चुअली कंट्रोल किया कैसे जाए। पर डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि बोस्टन में एक सोसाइटी है, ओबेसिटी सोसाइटी, जिन्होंने एक अजीबोगरीब स्टडी किया, और जिसमें उन्होंने पाया कि हम अपने दिमाग को गुमराह करके फूड क्रेविंग्स को रोक सकते हैं। वो कैसे? तो उन्होंने एक तरीका निकाला है, अजीबोगरीब है लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो लोगों को फूड क्रेविंग्स होती है उनको कहा कि अपने फोरहेड पे करीब करीब 30 सेकंड तक टैप करते रहे ऐसे। तो अगर हम ऐसे करें तो उनको उस स्टडी में पाया कि उससे फूड क्रेविंग पूरी तरह से उस वक्त के लिए डेफिनेटली रोक सकते हैं। तो रिचर्ड विल, जो कि इस ओबेसिटी सोसाइटी के डायरेक्टर है, उनका कहना है कि जो फोरहेड पे टैपिंग ये मूवमेंट है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डायनामिक है। उससे होता ये है कि हमारा बहुत सारा दिमाग का भाग उस बात में लग जाता है कि हम ये टैप कैसे करें। तो ये एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन अपने दिमाग के लिए फॉर फूड क्रेविंग्स। तो इससे होता क्या है कि जब हम टैप करते हैं हमारे फोरहेड को, तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन गेट्स इन्वॉल्व इन दैट। तो उसके वजह से हमारी फूड क्रेविंग्स उस वक्त के लिए चली जाती है। दोस्तों एक और अजीबोगरीब स्टडी हुआ है ब्राउन यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्होंने एक कोशिश की है कि जिससे हम अपनी सोच को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने किया क्या, उन्होंने कुछ लोगों को लिया जो कि ऑलरेडी ओबीस है, उन्हें बहुत सारे पिज्ज़ा आइसक्रीम उसकी तरफ देखने लगाया, और उन्हें भूखा भी रखा गया। तो उसे हुआ क्या कि उन्हें बहुत सारी फूड क्रेविंग्स होने लग गई। तो उन्होंने उन लोगों को चार ऑप्शन दिए कि जब आपको फूड क्रेविंग होगी तो आपको सोचना क्या है। दो तीन प्रकार से आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं, यानी अपनी सोच के द्वारा। एक तो आप उसके बारे में सोचे और फिर ऐसे किसी तो दूसरी चीज़ों के बारे में सोच के डिस्ट्रैक्ट करिए अपने मन को। दूसरा तरीका आप रिएक्ट कर सकते हैं कि आप भले ही आपको फूड क्रेविंग्स हो रही है, आप उसे समझिए लेकिन आप उसको रिएक्ट ही ना करें उसके आगे। बाद में तीसरी तरीका ये है कि आप उस चीज़ों के बारे में फूड क्रेविंग्स जब आपको आए तो आप ये सोचिए कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप वो खाना खा ले, यानी आपके शरीर पे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में आपको सोचना है। चौथा तरीका उन्हें रिएक्ट करने के लिए ये कहा कि मानो आपको फूड क्रेविंग्स हो रही है तो आप उस बारे में सोचिए कि आपने अगर इस फूड क्रेविंग को कंट्रोल कर लिया तो आपको होने वाला फ़ायदा क्या होगा। सो दोस्तों कैथरीन डेमोस करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इस ब्राउन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जब भी इन लोगों के MRI स्कैन निकाले ब्रेन के, तो उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि जो लोग इस बारे में सोचा करते थे कि हम फूड क्रेविंग्स के वजह से अगर हम कुछ खा लेते तो उसके हमारे शरीर पे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अगर हम इसके बारे में सोचे तो इसमें उन्हें मैक्सिमम रिस्पांस मिला। वो रिस्पांस उन्होंने MRI पे पाया क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भी जो लोग नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इस फूड क्रेविंग को तोड़ने के बाद, अगर उसके बारे में जब वो सोचे तो सबसे ज़्यादा इनिबिटरी जो सेंटर्स होते हैं, यानी जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो सोचते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट हुए इस MRI स्कैन में ब्रेन के। तो दोस्तों इस स्टडी का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि इन सारे चार तरीकों में जो तरीका है कि जिसमें हम अपने शरीर पे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं, तो सबसे ज़्यादा फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है।
सो इन दो स्टडीज के वजह से दोस्तों हमें दो ऐसे तरीके मिले हैं, भले वो अजीबो गरीब रहेंगे लेकिन फूड क्रेविंग्स को टैकल करने के लिए वो दो तरीके कौन से हैं। एक तो फोरहेड पे हमें कंटिन्यूस 30 सेकंड के लिए टैप करना है, और सेकंड तरीका ये है कि जब भी हमें फूड क्रेविंग्स हो तो हमें दिमाग में ये लाना है और ये सोचना है कि अगर मैं फूड क्रेविंग्स के वजह से कुछ खा लेता हूँ अनहेल्दी, तो मैं कैसा मोटा हो जाऊंगा, मैं कैसे अजीब दिखूंगा। आपको ये हमेशा सोचना है, अपने दिमाग को फंसाना है। तो दोस्तों मुझे बताइए ये ट्रिक खुद आप फॉलो करके कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी, क्या इसने काम किया आपके लिए, और उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल सिक्स पैक फिटनेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया नोटिफिकेशन का तो प्लीज़ दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।